हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कार्बन एंड कंपाउंड के पार्ट टू में हम केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है जिससे वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और अटेन कर सके, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। तो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके बनते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल। तो ये ना तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना उन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। उसकी जगह क्या करेगा, इट शेयर द वैलेंस शेल। तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्यों करता है कार्बन ऐसा। देखिए कार्बन में 6 प्रोटॉन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, और 6 ही आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वैलेंस शेल से, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज करता है तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 6 जो प्रोटॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे। अब आप कह दोगे सर गेन कर लेगा फिर। अब ये गेन भी नहीं करता 4 इलेक्ट्रॉन्स को जिससे वो एनायंस की फॉर्मेशन कर सके। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियस में 6 तो प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 6 ऑलरेडी उसके पास है, 4 और आ जाएंगे। तो 6 और 4, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए सिर्फ 6 ही प्रोटॉन होंगे। इसलिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन अचीव करता है नोबल गैस कंफिगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उससे जो बनता है बॉन्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसको हम कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर टू एवरीवन। तो कोवलेंट बॉन्ड इसीलिए बनाता है। अब अगर हम लुईस नोटेशन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को या तो हम क्रॉस से शो कर देते हैं या हम डॉट से शो कर देते हैं, है ना। इसलिए इसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, लुईस रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। लुईस ने इसको डेवलप किया था सबसे पहले। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्स से शो कर देते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन, डबल बॉन्ड है तो दो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइंस के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 एटम्स के बीच में। मान लीजिए मैं ऐसे दिखाऊं तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, और यहां पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ओवरलैपिंग सर्कल्स के थ्रू जो एटम के सिंबल्स हैं उनको ड्रॉ किया जाता है। कैसे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है, वो आपको मैं दिखाता हूं। तो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि ऐसा बॉन्ड जो कि बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। अब कोवलेंट बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। देखिए दो वर्ड होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, दोनों का फर्क समझना। इंटर कास्ट मैरिज आपने सुना होगा ना, आजकल बड़ा क्रेज है। तो मतलब मान लीजिए आप ए सेक्शन में हैं, आप बी सेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया इंटर, और क्लास में ही आप मस्ती कर रहे हैं, ए सेक्शन के बच्चों के साथ ही आप मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया इंट्रा मोलिकुलर। तो इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होते हैं, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बच्चों लो होता है। बात समझ में आ गई, वाई कोवलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको बता रहा था ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर की बात, तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में किस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, उसको कैसे लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बनेगी। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन से सिंपल कुछ हो सकता है, यस और नो बताओ फटाफट। चलिए अब एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, अगर ये भी नहीं पता तो बड़ी गंभीर समस्या है।
वैलेंस शेल में ये न्यूक्लियस हो गया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, आउट मोस्ट शेल कह लो, वैलेंसी कह लो। तो इसका मतलब इसको नियरेस्ट नोबल गैस जो कि कौन सी है, हीलियम, की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे इसका जो के शेल है वो बच्चों कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये क्या करेगा, तो अब मित्रता होगी, फ्रेंडशिप होगी, इधर चला मैं उधर चला, एक इधर से चला और एक हाइड्रोजन इधर से चला, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, चलो भाई हम क्या कर लेते हैं, कोलेबरेशन कर लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों मिलेंगे, मिल जाए इस तरह, ठीक है। तो किस तरह मिले, इसको हम एक्स से शो कर देते हैं, चलो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका और ये दूसरे वाले का, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब ओवरलैपिंग सर्कल से शो कर दिया इसको, अब ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इससे बना क्या, H2 मॉलिक्यूल बन गया, दो हाइड्रोजन एटम्स मिलके H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं, H+, ये एक पे डॉट था, एक पे हमने क्रॉस दिखा दिया, तो क्या बन गया, H2। बात समझ में आ गई। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान था, कुछ और करके दिखाओ। अब क्या करके दिखाएं, चलिए एक और करके दिखाते हैं। मीथेन आपने सुना होगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब देखिए हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स हैं, इनके बीच में कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4 है। तो जी ये हमारा कार्बन है, इसकी वैलेंसी है 4। बात समझ में आई, ठीक है। अब अभी हमने हाइड्रोजन की बात करी थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 4, यहां पे वैलेंसी कितनी हो गई, 1। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन मिलके एक कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग करनी है। तो जी एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे शेयर करवाया, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हो गया। देखिए हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और यहां भी कंप्लीट, नियरेस्ट नोबल गैस होगी हीलियम, ठीक है। अब कार्बन में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो देखिए हो गए। तो कार्बन ने भी नियरेस्ट नोबल गैस जो थी उसकी कौन सी, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसको ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से आप मीथेन के फॉर्मेशन शो कर सकते हो, क्लियर। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कुछ और अलग करके दिखाओ, ठीक है भी, ये भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो कोवलेंट बॉन्ड दैट जो शेयरिंग से बनते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, नॉर्मली जो कोवलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन को एक चाहिए था, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई और क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। अब यह H2 मॉलिक्यूल मैंने दिखाया आपको सिंगल बॉन्ड के थ्रू, कि ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग हो जाती है और उससे H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, चलो आपने जो कोई बताओ फटाफट कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। यहां पे हमें ये करना चाहिए था जिससे डिफरेंस पता चले, ठीक है। चलिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सिंगल बॉन्ड के बारे में, आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा शेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में होते हैं, तो मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पहले बात करें डबल बॉन्ड की। चलिए, अभी मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनेगा। ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर कितना, चलो फटाफट बताओ, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी हो गई, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने कम है, 2, तो वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। तो दोनों के दोनों एटम कंट्रीब्यूट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अलग से दिखा देते हैं जिससे आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पे आपको 4 दिख रहे हैं क्योंकि 2 ये डबल बॉन्ड हो गए, इधर भी 2 4 दिख रहे हैं, 2 ये डबल बॉन्ड हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। कंफ्यूज हो गए, चलिए मैं यहां पे बनाता हूं आपके लिए। देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 4 और 2 6, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे, 2 4 और 2 6, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इधर से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई, 2 की, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ 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 फटाफट बताओ बच्चे। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल बनता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर फटाफट बताओ बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी है, 3, तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। यहां पे आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा, मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूं आपको, कि यहां पे नाइट्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दी। तो अब क्या हुआ, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 3 3 6 N2 8, और इसी तरह इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर होके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आई बात। तो इस तरह मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशल फीचर्स आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लो, क्यों होता है, क्योंकि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, आयनिक कंपाउंड में जैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वहां यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज है लेकिन बाउंडेड नहीं है। तो मैंने दो वर्ड यूज किए थे ना, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन तो स्ट्रोंग है, हाई है, लेकिन इंटर मोलिकुलर जो बॉन्डिंग है वो वीक है, इसलिए दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। चलिए, सॉफ्ट होते हैं, स्क्विशी होते हैं आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के आसपास इजिली मूव कर सकते हैं, और इसलिए वो उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, ना कि वो हार्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी क्यों होती है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, वंडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोवलेंट मॉलिक कंपाउंड्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे गैस या लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, रेयरली दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। हालांकि ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, आयोडीन जैसे सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड भी मिलते हैं, बट नॉर्मली दे आर फाउंड इन गैसीय स्टेट लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथेनॉल, ईथर, ब्रोमीन, ये सारे लिक्विड हैं, और ग्लूकोज, शुगर, यूरिया कोवलेंट कंपाउंड जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए।
मोर फ्लेमेबल देन आयनिक कंपाउंड, आग जल्दी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेनली हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती है, बर्न कर जाती है, लेकिन जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होगा वो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, देन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर, इंसुलेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं होते, दे लैक ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव आयंस एंड नॉट वेरी मच सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबिलिटी भी बहुत कम होती है। ड्यू टू नॉन पोलर नेचर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में, इनमें तो सोल्यूबल है लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि वाटर है पोलर सॉल्वेंट और बाकी ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर है, इसलिए वाटर में डिसोल्व नहीं होते। क्लियर। इसके अलावा अगर एक और प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन प्लस नॉन क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में हम इनको देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, हमने बता दिया आपको कि कैसे कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब बात यह आती है कि जी पहले से आयनिक कंपाउंड थे तो उनसे ये कैसे डिफर है, तो बेसिक डिफरेंसेस की भी बात कर लो जी। चलिए, तो आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करते हैं ना बच्चों, तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड है वो बनते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कोवेलेंट कंपाउंड की, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है दो नॉन मेटल्स के बीच में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा जिससे आयनिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड, ग्लूकोज जैसे कोवेलेंट कंपाउंड तो सॉलिड होंगे, लेकिन उसके अलावा ब्रोमीन जैसे गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे, लिक्विड में बहुत सारे मिल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होंगे, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि नॉन पोलर होते हैं एंड ड्यू टू दिस रीजन दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल, एंड कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस नहीं होते इनमें, इसलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आयनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, जबकि कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। ठीक, तो वही चीजें हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, वाटर में डिसोल्व हो जाएंगे, गुड कंडक्टर है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आपको क्या करना है, करना वही है जो आज तक आप करते आए हैं मेरे बच्चों। यस, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में आपको आके अपना इफ बट किंतु परंतु पूछ लेना है। अगर बात समझ में आ गई है और आपको लगता है आपके किसी नॉन को, फ्रेंड को, क्लासमेट को भी ये समझ में आनी चाहिए, तो चैनल को शेयर कर दो। समझ में आ गया है एक लाइक, और अच्छा लग गया तो क्यों अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा उसका कमेंट भी कर दो, और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है ना,